So with this, good evening and namaskar everyone. I'm your host Indu Shweta. Take this immense pleasure to welcome all of you, all the dignitaries tonight to this wonderful auspicious ceremony. जी हाँ, आज की शाम खास है. आज की शाम में मैं आपकी होस्ट इंदो श्वेता आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों खास का और खासकर जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित डिग्निटरीज हैं उनका स्वागत करती है तहे दिल से. आज की शाम डेडिकेटेड है एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. शी इज वेल नोन, नॉट वेल नोन इन द सोसाइटी, नॉट वेल नोन जस्ट इन हिसार और इन हरियाणा, बल्कि वेल नोन इन लॉट ऑफ कंट्रीज बिकॉज ऑफ हर करेज, बिकॉज ऑफ हर इमेजिनेशन एंड बिकॉज ऑफ हर एस्पिरेशन. शी इज अ ट्रू आइडल व्हाट वी लुक फॉर. जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जो तारुफ के मोहताज नहीं है. उनका होना या उनका ना होना आज हमारे बीच में यूं तो खलता है, लेकिन एक और बात का हमको ये एक बात का सपोर्ट दे के जाता है, हमारा मनोबल बढ़ा के जाता है, वो ये कि आज भी उन सितारों से आगे दुनिया जहां और भी है. और हम में से आज यहां पर उपस्थित कई ऐसे लोग, चाहे कहें कि वो छात्र हैं या जितने भी आज यहां पर उपस्थित लोग हैं, वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं. लेकिन हम सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन उस सोच को आगे बढ़ाना, उस सोच को, उस अपने अपने हॉबी को एक मुकाम तक पहुंचाना, ये किसी किसी के बस में होता है. और वो शख्स है, जी हाँ, हमारे बीच में वो शख्सियत जिनका हम बार बार आपके सामने नाम ले रहे हैं और जिनके कारण आज की ये शाम इस तरह सजाई गई है, वो है कल्पना चावला. तो मैं चाहूंगी, यूं तो वो हमारे बीच कहीं ना कहीं है या सितारों से कहीं ना कहीं देख रही है, तो एक बार उनकी मेमोरीज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर हर एंड फॉर हर फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. कहते हैं कल्पना, नाम से ही प्रतीत होता है इमेजिनेशन, नाम से ही प्रतीत होता है एस्पिरेशन. एंड शी वॉज अ ट्रू फिगर. जी हाँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने ना केवल अपने परिवार का मान रखा, ना केवल अपने अपनी जगह का, जिस जगह से वो बिलोंग करती है हरियाणा, वहां का मान रखा, बल्कि मान रखा पूरे हिंदुस्तान का. और सम्मान बनी वो नासा की. आज इस हरियाणा के घर में कई ऐसी बेटियां हैं, कई ऐसी माएं हैं जो अपनी बेटियों को उस शख्सियत की तरह बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि आज वो भी कुछ पढ़ के लिख कर अपने पूरे खानदान का, पूरी सोसाइटी का, या कहे पूरे शहर, गली मोहल्ले या पूरे देश का नाम रोशन करें. सो इसी के साथ सबसे पहले मैं सैल्यूट देना चाहूंगी उन सभी औरतों को जो अपने अपने क्षेत्र में ही सही लेकिन कामयाबी की उन बुलंदियों को पा चुकी हैं. तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों को इतना भी बताना चाहूंगी कि यूं तो कल्पना जी हमारे बीच में एक कल्पना छोड़ के गई हैं. सितारों की हमेशा से बातें करती थी. शी ऑलवेज यूज टू से दैट आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आई डोंट से माई सेल्फ, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नीदर आई कंसिडर माई सेल्फ अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, बल्कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दैट मिल्की वे. एंड श्योरली कहीं ना कहीं मेरा नाम हो ना हो, एक दिन उस मिल्की वे में, उस आसमान में, उन सितारों में कहीं मेरा नाम जरूर गूंजेगा. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, लेकिन आज हम सभी को मान है, सम्मान है उस कल्पना चावला के लिए. और इसी शख्सियत की स्मृति में, जी हाँ, कल्पना चावला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने उनको हर तरीके से सम्मानित किया है. और मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय देना चाहूंगी हमारे चेयरमैन साहब का, श्री सुनील जी का. तो मैं सुनील जी को मैं बधाई भी देना चाहूंगी और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि जितना जितना हो सकता था, जैसे हो सकता था, उन्होंने इस नाम का, इस शख्सियत का सम्मान रखा है.